अच्छा देख लेते है। हैं हैंकम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे ठीक होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे तो जी आप देख रहे हैं लाइव विद मिशी यूट्यूब चैनल तो जहाँ कहीं पर भी रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें जी और अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें कौन से पैसे लगते हैं भाई जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जी आज की होने लगी है वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े की इंफॉर्मेटिव क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसी जगह पर लेकर जा रही हूँ जहाँ से आपको मिलेगा बहुत कुछ सिर्फ एक ही जगह से तो जो कुछ चाहें आप लोग ईजीली वहाँ से बाय कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं जी और वीडियो मैंने स्टार्ट की थी जी ट्वेल्व थर्टी से और मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा एकदम से मोबाइल नीचे गिरने लगा था और इतने मुश्किल से बचा मैंने कहा आज मेरा मोबाइल जाता और मेरा चैनल भी चला जाता साथ ही <laughs> क्योंकि मोबाइल गिर जाता तो उसका तो कुछ उम्र निकल आना था मोबाइल का क्योंकि पीछे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी तो मेरा मोबाइल तो बचना ही नहीं था तो ये शुक्र है बच गया शुक्र है तो यहाँ पर साथ जो गाड़ी थी उस सामान से इतनी ज़्यादा लोड हुई हुई थी बहुत ज़्यादा लोड हुई हुई थी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पीछे की साइड पे ये उलट जाएगी इतना ज्यादा सामान उन्होंने लोड किया हुआ था तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे जी बाजार तो ये देखें जी एक आदमी खड़ा हुआ था चिड़िया पकड़ के तो उसने क्या किया हुआ था जी दो इसके पास पिंजरे थे जिसमें इसने चिड़ियाँ डाली हुई थी तो मुझे कहता है कि आज़ाद करवा लें एक एक जो थी वो एटी रुपीज़ की वो आज़ाद कर रहा था और वन फिफ्टी की दो चिड़ियाँ मतलब कि उनका जो पेयर होता है वो आज़ाद कर रहा था मैं कहती हूँ इन लोगों को क्या मिलता है बेचारियों को पकड़ के बेज़ुबान परिंदे हैं अच्छे खासे भाई थे बट कोई और कारोबार कर लें इन बेजुबान परिंदों को पकड़ के इन लोगों को क्या मिलेगा भाई तो यहाँ पर हम आ गए थे अंदर बाज़ार के तरफ तो यहाँ पर गई हुई थी पूरे बाजार की लाइट तो सबसे पहले हम आए थे जी जूतियों वाली दुकान पर तो मुझे चलते चलते एक दुकान नज़र आई मैंने ना लेना थे मिन्हा के शूज़ लेसिस वाले तो मुझे वो नज़र आए तो मैंने वो ले लिया और इतने ख़ूबसूरत खूबसूरत लड़कों के लड़कियों के शूज़ लगे हुए थे इतने ख़ूबसूरत लग रहे थे बहुत ही प्यारे लग रहे थे वैसे भी छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें देखे इतना खूबसूरत इतना मज़ा आता है ना छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी तो मैंने फिर एक रुपये ले लिया था मिन्हा के लिए तो यहाँ पर भी आगे आ गई थी जी स्वेटर्स वाली शॉप पे तो यहाँ पर ये देखें इतनी प्यारी प्यारी कैप शॉल्स लगी हुई थी जैकेट्स लगी हुई थी स्वेटर्स लगे हुए थे बट सब का रेट अलग 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 जिस शॉप पे भी जाएँ आपको सब का रेट अलग नज़र आएगा तो ये कैप शॉल मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी तो जब मैंने रेट पूछा तो जी इस का था जी रेट फोटी था तो डिफरेंट प्राइजेस थी सबकी बट ये थी कि बहुत ही मज़े का कपड़ा था और बिल्कुल गर्म बहुत ही मज़े का कपड़ा था तो यहाँ पर ये देखें जी छोटे छोटे बच्चों के भी कपड़े लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में इन्होंने लगाए हुए थे बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे और यहाँ पर आगे मैं आई ज्वेलरी वाली शॉप पर तो ये देखें जी मुझे इतने खूबसूरत लगे थे ये ए, हार वग़ैरह ये सेट लगा हुआ था ये एयर थे और साथ में जी हार था बहुत ही खूबसूरत है और हर कलर में ये अवेलेबल थे और जो कलर आपको चाहिए था तो वो उस टाइम आपको बना कर भी दे सकते थे तो ये ऑनलाइन काम भी करते हैं तो आप लोगों ने जिस चीज़ ने आना है तो आप लोग इनकी शॉप का विजिट भी कर सकते हैं और ये थी जी हम लोग चूड़ियाँ देख रहे थे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत इन चूड़ियों के डिज़ाइन थे बहुत प्यारी मुझे ये चूड़ियाँ लगती हैं बहुत ही खूबसूरत तो ये था जी सेट छः का सेट था जो भी चूड़ियाँ आप लोगों ने लेनी थी वो छः का सेट था और इनकी डिफरेंट प्राइज़ वग़ैरह थी टू थाउजेंड भी थी एटीन हंड्रेड भी थी तो जी बहुत ही प्यारे मुझे लग रहे थे और यहाँ पर देखें हर तरह की ज्वेलरी इनके पास मौजूद थी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत और रीज़नेबल प्राइजेस में मौजूद थी तो ये ऑनलाइन काम भी करते हैं मैं आप लोगों को इनका कार्ड भी शो कर दूँगी और मैं इधर नंबर भी आप लोगों को शो कर दूँगी इनकी शॉप का तो ये रहा जी इनकी शॉप का नाम आ, कुंदन ज्वेलरी तो यहाँ पर आप लोग ईजी आके शॉप नंबर भी लिखा हुआ है नंबर भी लिखा हुआ है इनका फ़ोन नंबर भी तो आप लोग इनसे ले सकते हैं ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं चीज़ें वगैरह तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियों के डिज़ाइन थे जो मुझे बहुत ही मेरा दिल कर रहा था ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ और ये भी ले लूँ क्योंकि बहुत ही एक से एक आला किस्म का इनके पास डिज़ाइन था ये देखें आप लोग बहुत ही खूबसूरत थे तो आप लोग रबता कर सकते हैं इन लोगों से तो राजा बाज़ार में इनकी शॉप थी मेन मैंने आप लोगों को कार्ड भी शो कर दिया है और ये आप लोग इनसे रब्ता वगैरह कर सकते हैं कि अगर दूसरी सिटीज़ में अगर ये लोग डिलीवर करते हैं तो आप लोग इजीली इनसे चीज़ें वगैरह ले सकते हो तो एक से एक आला ज्वेलरी थी इनके पास बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्राइडल ज्वेलरी भी थी और ब्राइडल सेट वग़ैरह भी थे ब्राइडल चूड़ियाँ वगैरह भी थी इनके पास तो कैजुअल के लिए भी इनके पास थी तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी तो वैसे भी आजकल शादियों का सीज़न है तो आप लोग रीजनेबल प्राइस में इनसे ले सकते हैं सब कुछ वेडिंग के लिए बारात के लिए वलीमा के लिए देखें और मेहंदी के लिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से इनके पास डिज़ाइन थे सेट्स वगैरह थे ये देखें बहुत ही ख़ूबसूरत लग रहे थे ये देखें जी बहुत ही प्यारे से अच्छा दो हज़ार पच्चीस पैंतीस तो यहाँ पर देखें जी एक बहुत ही प्यारी बोतीक थी जहाँ पर ये कपड़े लगे हुए थे तो यहाँ पर मैं नहीं गई थी अंदर तो प्राइस मैंने नहीं पूछी थी इनकी तो मैं यहाँ पर अब आगे जा रही थी तो अब मैं आगे जा कर आप लोगों को मिलती हूँ तो यहाँ पर मैं आई थी जी लेसिस वाली दुकान पर तो लेसिस वाली दुकान पर आने के बाद यहाँ पर देखी इतनी बड़ी लेसिस वाली दुकान है इतनी बड़ी लेसिस वाली दुकान है कि आप लोगों को यहाँ से हर तरह की लेस मिल जाएगी जो भी आप लोगों ने कपड़ों पे लगाना है टसल्स हो गए मैचिंग लैस होगी कढ़ाई वाले धागे और नलकियाँ और जो जिस तरह की आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है पाइपिंग वगैरह तो हर तरह की आप लोगों को यहाँ से पाइपिंग भी मिलेगी लैस भी मिलेगी और गले के मोटिव मिलेंगे दामन बाज़ुओं हर तरह के मोटिव्स मिलेंगे ये देखें इतने खूबसूरत लगे हुए थे ना और आजकल जिस तरह तरह की ये चल रही हैं चीज़ें तो हर तरह की चीज़ यहाँ पर लगी हुई थी तो आप लोग इस शॉप पर भी आ सकते हैं अगर आप अनस्टिच कपड़े लेते हो तो बनवाने हैं तो यहाँ से हर तरह की लेस आपको मिलेगी हर तरह का बटन मिलेगा हर तरह की शीशे वाली लेस मिलेगी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चली हुई है मिरर लेस तो मिरर लेस भी हर कलर में मौजूद थी मल्टी में भी थी और हर कलर में मौजूद थी और यहाँ पर देखें हर तरह का गोटा छोटी लेस छोटी पत्तियाँ वगैरह मेहंदी के कपड़ों पर लगाने के लिए और वैसे भी और ये यहाँ पर जी पल्स वगैरह लगे हुए थे जो मोती वगैरह होते हैं आप लोगों ने कपड़ों पर लगाने हैं तो वो भी लगे हुए थे और यहाँ पर टसल्स वगैरह लगे हुए थे गले की नेक लाइन वगैरह लगी हुई थी और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जी अम्मी के कपड़ों पर लगाने के लिए लैस पैच वगैरह कौन सी है ये सिक्स का ये वाले था था था। ये, ये भी इस पे तो सारी अच्छी है ये किस तरह दे भी अच्छी लग रही है था? था? ये है। तो <laughs> नहीं। नहीं। ये वाली ऐसे 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 आए एसे आएगी एसे है। ओ, कितने की है भाई कितने और फिर जी हमने अम्मी के कपड़ों पे लगाने के लिए पैच वगैरह भी ले ली लेसिस वगैरह भी हमने ले ली थी और ये देखें जी आप लोग अगर सिंपल कपड़े बनाते हैं फ्रॉक वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर हर तरह का गला और वगैरह पैच वगैरह मौजूद हैं और ये रहा जी इनकी शॉप का एड्रेस भी आप लोग जब भी आए मोती बाज़ार तो ये इनकी शॉप का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है ताकि आप लोग इजीली इनकी शॉप पे आ सकें तो यहाँ पर अब हम ले रहे थे जी नेक लाइन अम्मी के कपड़ों पे लगाने के लिए जिस तरह की हमने पैच ली थी तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ पैचेस वगैरह लगी हुई थी मुख्तफ नेक लाइन्स लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में थे बहुत प्यारे लग रहे थे तो जी वहाँ से हम ले कर बिल शिल देकर तो हम आ गए थे जी तो हम आ गए थे जी ड्राई फ्रूट वाली शॉप पे तो हाँ आजकल जी आप लोगों को पता है सर्दियाँ हैं और मूँगफली ना खाएँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता तो यहाँ पर दो तरह की मूँगफली थी तो हमने ली थी ये मोटी वाली मूँगफली और मुझे नहीं पता है इसमें डिफरेंस क्या था तो क्या नहीं वैसे उसका टेस्ट हमने टेस्ट की थी बहुत ही मज़े का टेस्ट था मोटी वाली जो मूँगफली थी और इतने मज़े का उसके अंदर से दाना निकल रहा था ना बहुत ही मज़े के दाने थे इसके अंदर और जो छोटी वाली मूँगफली थी उसका थोड़ा टेस्ट डिफरेंट था और थोड़ी थोड़ी जली जली सी थी तो बहुत ही मज़े की थी ये हमने ले ली यहाँ से तो सर्दियाँ हों और ड्राई फ्रूट ना खाएँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना और जी फिर हमने शॉपिंग वगैरह कर ली और फिर हम आ बैठ गए थे जी ऑटो में और ये ऑटो था जी डबल वाला आजकल ये बहुत चले हुए ऑटो डबल वाले और इजी होकर आप बैठ सकते हैं इस ऑटो में तो हम जा रहे थे तो आगे इतना ज़्यादा रश हुआ हुआ है वैसे भी सर्दियां हैं और सर्दियों में हर जगह पर सेल सेल स्वेटर जैकेट्स सॉक्स हर तरह की यहाँ पर सेल लगी होती है और स्टॉलर्स वगैरह तो बहुत ही सेल्स वगैरह लगी हुई थी तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो और आई होप कि आप लोगों को ये मेरी अच्छी लगी होगी वीडियो और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी हुई होगी वीडियो मेरी ये तो जी उसके बाद हम घर आ गए थे और घर आए तो हमारी भाभी लेकर आई हुई थी जी मिठाई और किस खुशी में लाई थी ये नहीं बताया उन्होंने तो जी फिर हम आ गए थे और अम्मी यहाँ पर आते सार जी अम्मी के तो बस मैं कहती हूँ अम्मी हर टाइम काम करती रहती हैं काम 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 बस माओ से बैठा नहीं जाता आराम से तो यहाँ पर अम्मी आते सारे डिब्बे में मूँग और रेवियाँ डालने लगी थी तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिए गा और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें और ज्यादा ज्यादा से अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे वो सारी दुआओं में याद रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़